नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से विश्व साक्षरता दिवस भारत में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। भारत का सर्व शिक्षा अभियान इस दिशा में सराहनीय कदम है। आपको बता दें, इस साल साक्षरता दिवस की थीम मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस साल 1966 में मनाया गया था। साक्षरता शब्द साक्षर से बना है, जिसका अर्थ होता है पढ़ने और लिखने में सक्षम। विश्व के सभी देशों में समाज के हर वर्ग तक शिक्षा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इस दिन की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें, पहली बार यूनेस्को ने 7 नवंबर 1965 में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का फैसला लिया। इसके लिए एक दिन निर्धारित किया गया, जिसके बाद हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाने लगा। यूनेस्को के फैसले के अगले ही साल यानी कि 1966 में पहली बार साक्षरता दिवस मनाना शुरू किया गया था। राष्ट्र और मानव विकास के लिए समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उनके अधिकारों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इसी ज्ञान के लिए शिक्षा दी जाती है। लोगों को शिक्षा की तरफ प्रेरित करने के लक्ष्य के तहत साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, भारत की साक्षरता दर विश्व साक्षरता दर से 84% कम है। साल 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर 74.4% है। 1947 में देश की साक्षरता मात्र 18% थी। वहीं देश में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, जहां 93% जनसंख्या साक्षर है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जहां 63.82% लोग ही साक्षर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।